बाकी सब जगह पर इस दोनों जो आप कहेंगी जाट बेल्ट से इतर जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुए हैं, चाहे वो अहिरवाल हो, चाहे वो गुजर बेल्ट हो नीचे पलवल की, और चाहे वो उत्तर की तरफ में आप जीटी बेल्ट की तरफ जाएंगे तो करनाल अम्बाला की जो सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी बीजेपी का गढ़ भी है। आप फरीदाबाद की, गुड़गांव की, जीटी करनाल रोड की उधर की बात कर लीजिए। अच्छा, एक एक दिलचस्प चीज जो राव आरती है वो अभी पीछे चल रही है। हां बिल्कुल पीछे चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक अम्बाला कैंट पे अनिल भी पीछे चल रहे हैं, वो तो एक खबर है। दूसरी खबर ये है उसमें कि निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर सबसे आगे चल रहे हैं। निर्दलीय तौर पर चित्रा सरवरा जो है वहां पर सबसे आगे चल रही है। कांग्रेस से बागी होकर उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ाया, इंडिपेंडेंट के तौर पर वहां पर अनिल विज जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं उनको सीधी टक्कर देते हुए अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। अनिल विज पीछे चल रहे हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिपेंडेंट ने खेल बिगाड़ दिया है कांग्रेस का, यानी कि बीजेपी की रणनीति जो है वो कहीं काम करती दिखाई दे रही है ऐसा लगता है। अपने ही जो विरोधी होकर गए हैं वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। विरोधी किसका नुकसान करता है? जैसे बीजेपी के भी कई विरोधी हैं जो चुनाव में, कांग्रेस पार्टी सावित्री जिंदल जैसे हो गई, जैसे उन्होंने कांग्रेस की अंबाला सीट की बात की, जहां से अंबाला कैंट की बात की, वहां से वो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर गए ना जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। लेकिन एक चीज और जो अभी सावित्री जिंदल की हमने बात की, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में अगर हम देखें तो हिसार पे सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। अभी तक वहां पर जो वोटिंग हुई है उस हिसाब से 5500 वोट जो है लगभग सावित्री जिंदल को मिले हैं, जो दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको 1500 वोट के भी काउंटिंग आप खुद सोचिए। लाडवा सीट की जानकारी कुछ आप दे पाए? बिल्कुल, लाडवा सीट खुद मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी है, क्योंकि लाडवा सीट से वहां पर भी काफी खेल चल रहा है। वहां पर अभी फिलहाल खुद मुख्यमंत्री सैनी आगे चल रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, 840 वोटों का अंतर है, सिर्फ दो राउंड की वोटिंग। उंचाना करा का प्लीज हाल बताइए कि कितने। नायब सिंह सैनी का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो लड़ना चाह रहे थे करनाल से, और करनाल से उन्हें लड़ने नहीं दिया गया, लेकिन इस वक्त जो करनाल से कुरुक्षेत्र से, हालांकि वो उससे पहले सांसद थे, कुरुक्षेत्र उनका इलाका है। उस दौरान दिलचस्प बात ये थी कि जब उनसे मीडिया, जिस दिन टिकटों का अनाउंस नहीं हुआ था तब उनसे एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने बोला कुरुक्षेत्र से, जबकि प्रदेश अध्यक्ष से पूछा भाई मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, वो कह रहे लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ा तय हो चुका था, वो तय हो चुका था, कुरुक्षेत्र उनका इलाका है, वो मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, अभी तक सूचना नहीं। कुरुक्षेत्र उनका इलाका है, कुरुक्षेत्र से वो सांसद रह चुके हैं, कुरुक्षेत्र से जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो सीट नवीन जिंदल को दे दी गई, वो वहां से अब सांसद हैं, तो ये लाडवा बिल्कुल कुरुक्षेत्र से सटी हुई सीट है। अच्छा करनाल, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि करनाल से जो अभी मौजूदा कैंडिडेट जो है बीजेपी को आगे चल रहे हैं, फिर पता नहीं बीजेपी को ये मतलब डर किस बात का था, क्या मनोहर नायब सिंह सैनी के हारने का डर था करनाल से, टिकट क्यों नहीं दिया? टिकट हो सकता है वहां पर कुछ और समीकरण पार्टी ने सोचे हो, ग्राउंड के समीकरण या फिर मनोहर लाल खट्टर के समर्थक को टिकट देने की ये बात चल रही। देखिए कई जगहों पर मनोहर लाल खट्टर की बहुत लंबी लिस्ट मनोहर लाल खट्टर के समर्थकों की थी। बड़ी चीज ये थी मनोहर लाल खट्टर अपने कई ओएसडी को टिकट देना चाह रहे थे, चाहे फिर वो अहिरवाल हो, दक्षिणी हरियाणा हो, पश्चिमी हरियाणा हो, हर जगह जो है मनोहर लाल खट्टर के जो समर्थक थे वो टिकट चाह रहे थे। कई जगहों पर उनके 4 OSD जो बताए जाते हैं, 4 OSD टिकट मांग रहे थे, जिसमें से टिकट उनको वहां तो नहीं दिया, तो ऐसी कई जगहों पर कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को एडजस्ट किया गया होगा, इसीलिए वहां पर लाडवा भेजा गया सैनी को, मुख्यमंत्री सैनी को। अच्छा हरियाणा में हम देख लिया अभी जो मौजूदा टैली है, बीजेपी 50 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 38 और कांग्रेस पार्टी यानी कि पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है रुझानों में, बीजेपी 46 का जादू आंकड़ा, उससे 4 सीटें ज्यादा, बीजेपी 50 पर, और ये टैली भी बदलेगी, अभी बदलेगी, लेकिन 10:15 हुए हैं अभी, आधा पौना एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसमें कोई दो नहीं। गोपाल कांडा सिरसा से पीछे चल रहा है जी, लेकिन ज्योति यहाँ जम्मू का फिर से हम जिक्र कर लेते हैं, 25 सीटें अभी हम नू का जिक्र कर रहे थे, मामन खान का जिक्र कर रहे थे, तो मुस्लिम जो वोटर्स है कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के साथ जाते नहीं दिख रहे हैं। वही आप देख ले जम्मू में बीजेपी हिंदू कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं माइलेज देने की कोशिश कर रही थी, पिछले चुनाव में भी बीजेपी 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, और इस बार के चुनाव में भी आप देख ले जम्मू में बीजेपी टोटल जम्मू कश्मीर में बीजेपी 25 सीटों पर ही आ गई है। कांग्रेस के खाते में एक बात यहां ध्यान देने की जरूरत है कि कांग्रेस के खाते में जो अधिकतर सीटें आई थी वो जम्मू की सीटें आई थी, और कांग्रेस इस वक्त 8 सीटों पर आगे है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया नवीन कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जम्मू में भी बीजेपी को सेंध लगाई है। जी कांग्रेस ने जम्मू में बीजेपी को सेंध लगाई है, एनसी ने भी सेंध लगाई है जम्मू में बीजेपी को। जम्मू में बीजेपी को कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी, हिंदू कार्ड नहीं चला, हिंदू कार्ड हर जगह नहीं चलता है,
जहां मुद्दे आगे बड़े होते हैं वहां धर्म छोटा हो जाता है। जब जनता के की जेब में पैसा नहीं, रोजगार नहीं, घर में फाके पड़ रहे हो, तो फिर जो है वो मंदिर जाने के बारे में नहीं सोचता है, वो पहले अपना पेट भरने के बारे में सोचता है। बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला, हिंदू सीएम, कब तक आप हिंदू कार्ड खेलते रहेंगे, कब तक? हर जगह नहीं चलता ना ये हिंदू कार्ड। आपने लोकसभा चुनाव में भी ये सब कोशिश की थी, लेकिन वो कितना कामयाब हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देख लिया, और उसके बाद कई राज्यों में ये फोकस हो सकता है, क्योंकि वो राज्य अलग मिजाज के राज्य हो सकते हैं जहां पर ये सब चीजें चलती होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब हिंदी हार्टलैंड के अंदर आप इससे ज्यादा इस मुद्दे को आगे नहीं ले जा सकते। अब आपको जनता की बात करनी होगी, रोजगार की बात करनी होगी, आपको किसान की बात करनी होगी, आपको सैनिकों के लिए जो आपने स्कीम लाई है अग्निवीर, उस पर बात करनी होगी, क्योंकि पूरे उत्तर भारत की पट्टी में हर गांव किसान के घर से एक आदमी फौज में होता है, जिन्हें ये भरोसा होता है कि हम किसानी किसान हैं, तो हमारा बेटा देश के लिए लड़ रहा है वहां, और यदि वो 20 साल की सर्विस के बाद जब रिटायर होगा तो वो उसकी पेंशन आएगी और वो खेती खलियानी से अपना गुजारा करेगा। एक और बात कहना चाहूंगा, हाल ही में हमने उमर अब्दुल्ला का भी बयान सुना था, चुनावी प्रक्रिया के दौरान उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के जो चुनावी प्रचार अभियान था उसको लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने कोटे वाली सीटों पर प्रचार नहीं करने के बदले कश्मीर रीजन की सीटों पर ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटों पर ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो राहुल गांधी नहीं, वो जो राहुल गांधी ने बात की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हमने, माफ कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला ने जो कहा था कि भाई हमने जम्मू रीजन की सीटों पर आप ध्यान दीजिए, कश्मीर घाटी तो मैं देख रहा हूँ, उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि जो सीटें हमारे खाते की हैं वो उसको हम देख लेंगे, आप वहां पर ध्यान दीजिए ताकि वहां पे आपका मुकाबला सीधे बीजेपी से। जी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो अच्छा रहा है, जम्मू में भी हमने देखा 8 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी की सीटों में अच्छी खासी सेंध लगाती दिख रही है कांग्रेस, बीजेपी महज 26 सीटों पर ही है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि 30 से 35 सीटें जो 4-5 सीटों पर, आप ये आंकड़ा लिख लीजिए, मैंने कहा कि बीजेपी 15 से 20 सीटें, जम्मू कश्मीर में बीजेपी कितनी सीटों, 15 से 20 ये आपका आकलन, और हरियाणा 20 हरियाणा में, हरियाणा जो है वो काफी बदल रहा है, और हरियाणा में तो अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की बात करें उसके मुताबिक 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है जबकि 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। दो राउंड की वोटिंग इलेक्शन कमीशन खुद दिखा रहा है, 18 राउंड की वोटिंग बाकी है अभी। हाँ। और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा चुनाव है, अगर इस बार हरियाणा नहीं जीत पाई कांग्रेस तो फिर उसके लिए किसी भी राज्य के अंदर मुद्दों की राजनीति के दम पर, जनता की आवाज के दम पर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। हरियाणा से संदेश कई राज्यों में जाने वाला है, बिल्कुल हरियाणा का संदेश जो है वो कई राज्यों में जाएगा, हरियाणा का संदेश एक किसानों का संदेश है, हरियाणा का संदेश जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, हरियाणा का संदेश जो है वो नौजवानों से जुड़ा मुद्दा है। तो यदि अगर हरियाणा से मुद्दे उठाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती है तो फिर उसे किसी और तरीके से बीजेपी को हराने की कोशिश करनी होगी। हरियाणा में सीटों का अंतर बढ़ता जा रहा है, बीजेपी 49 कांग्रेस पार्टी 34 सीटों पर, जी 15 सीटों का अंतर, 15 सीटों का अंतर है सीधे। अभी ये अंतर और ज्यादा होगा, थोड़ी देर पहले 70 और 23 का भी अंतर था, तो इसलिए हम इस पर अब ज्यादा ना बोलें। राउंड आते कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से, मुझे लगता है कि अभी हमने डिसाइड किया था कि हम 10:30 तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन 10:18 तक तस्वीर जो है उलझी हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर ही जाएं तो अभी राउंड की वोटिंग काउंटिंग बहुत ज्यादा है, तो हमें 12 बजे तक अभी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 12 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, देखिए अभी भी 2.5 घंटे हैं लगभग कि हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग टैली है और चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाए हुए है, जैसे मैच होता है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसी राजनीतिक पार्टियों में दुखदुखी लगी होगी। हालांकि लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक रुझान और भी है, कई और घर से वो बाहर निकले हैं, कहीं की तरफ वो निकले हैं, अब जोश आए हैं, वो क्यों निकले हैं अभी पता चलेगा, लेकिन जश्न अभी वहां मन रहा है, अभी जश्न में थोड़ी सी देरी है। मैं देखूं कि कई और जो रुझान है, कुछ और जो रुझान है, कई और जो रुझान आ रहे हैं उनके अंदर कांग्रेस 50 के करीब है और बीजेपी 26 के करीब है, तो अभी जो है हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अलग अलग रुझान अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, आंकड़े अलग अलग है, आंकड़ों में तब्दीली बहुत तेजी से हो रही है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार इसमें करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में हमारे अपने रुझान जो थे वो काफी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन फिर बाद में चेंज होगा, लेकिन रोहन क्या आपको भी नवीन की तरह ऐसा लगता है कि अभी ये काफी बदलेगा या फिर बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है? आप दोनों हरियाणा की राजनीति को काफी करीब से जानते हैं और काफी चुनाव आपने कवर भी किया है, तो नवीन भी अगर कह रहे हैं अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी हमने देखा भी चौथे राउंड की ही काउंटिंग चल रही है, लास्ट आते आते मुझे भी लग रहा है कि बहुत बड़ा उलटफेर होने का चांस नहीं है,
बीजेपी अभी जिस तरह से आगे चलती दिख रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात की थी, तो कांग्रेस जरूर इस बार लीड ले सकती है हरियाणा में। लेकिन कश्मीर की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। गुलाम नबी आजाद फैक्टर जो थे अहम फैक्टर इस बार कहीं ना कहीं माना जा रहा था उनको, बहुत ज्यादा अहम फैक्टर, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा अहम फैक्टर वो साबित नहीं हो पाए। डीपीएपी जो उनकी पार्टी है वो महज एक सीट पर आगे चल रही है, तो क्या गुलाम नबी आजाद के साथ क्या गलती क्या हुई? गुलाम नबी आजाद अपनी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में थे, एज फैक्टर कहीं ना कहीं बीच में आ गया उनके उनके साथ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एज फैक्टर कहीं से भी बीच में नहीं आया है। गुलाम नबी आजाद को भी वहां की जनता ने परखा है और वहां की जनता ने गुलाम नबी आजाद को भी देखा है, उमर अब्दुल्ला को भी देखा है और बदलाव को भी देखा है। हाँ। बीजेपी की तरफ जो फोकस गुलाम नबी आजाद का रहा वो वहां की जनता ने उसको उसके अगेंस्ट वोट दिया। गुलाम नबी आजाद वहीं के बाशिंदे थे, यदि वो कांग्रेस में होते तो आज बड़े कद में जाते, और ये हो सकता है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस उनके दम पर बड़ी लड़ाई लड़ती, वहां पर आधी सीटों पर लड़ाई लड़ती, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं था, सैफुद्दीन सोच वहां नहीं है अब कांग्रेस के बड़े नेता, उसके बाद गुलाम नबी आजाद बड़े नेता वहां बने और वो भी पार्टी छोड़ करके एक अलग लाइन पे आए। वहां की जनता को ये बात ध्यान में थी कि अदर इंडिपेंडेंस की भांति ये भी बीजेपी के ही एक डम्मी कैंडिडेट है। ठीक है, अब चूंकि फिर से हरियाणा, चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त बना हुआ है, फिर से हरियाणा पर लौटते हुए, अभी हरियाणा की टैली जो कह रही है 50 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 34, 16 सीटों का अंतर, अभी आप क्या देख रहे हैं, कितनी तब्दीली इसमें आने वाली है टैली में? अभी तो एग्जैक्टली नहीं कहा सकता है कौन सी सरकार बना। आपका अनुभव क्या कहता है? अनुभव पिछले 5-6 चुनाव जो देखा, जिस हिसाब से वहाँ गठबंधन हुए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को जो नुकसान पहुँचाया किसी ने, तो आम आदमी पार्टी, INLD और BSP का गठबंधन और JJP और मेरा सवाल आपसे है कि ये टैली लगभग इसी के आसपास रहेगी, मतलब बीजेपी को बढ़त रहेगी, या फिर आप सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सुधार करेगी? आपने 2020 का जो बिहार का चुनाव देखा था उसमें भी बहुत कांटे की टक्कर थे। हाँ। उसी हिसाब का है। अगर आप देखिए कि अगर कहीं अगर बीजेपी कांग्रेस हारती है कोई सीट, अगर कांग्रेस उस पर देखिएगा कि जितने अन्य लोगों ने उसका वोट काटा है उतने से वो हारेगी। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, मैं कह रही हूँ कि ये टैली यहीं पे बनती हुई, अभी दोनों में एकदम 19-20 का अंतर रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जो जिन 48 सीटों पर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है उनमें जीत का अंतर जो है वो 800, 373, 431, 981 और 1000 सीटों के बीच का है, और अभी उनमें 19 राउंड की वोटिंग बाकी है, 2-3 राउंड की ही काउंटिंग हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी आश्वस्त नजर आते हुए। जी, अपनी बात पूरी करिए। मेरा कहना, मैं ये बता रहा था आपको कि मार्जिन जो है अभी जो लीड है वो 900, 373, 431 बहुत बहुत छोटी लीड है, और राउंड की काउंटिंग जो है वो 2-3 ही हुई है अभी तक, कहीं भी चौथे राउंड की काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। 17-19 राउंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मिनिमम 16 राउंड की काउंटिंग है और मैक्सिमम 19 राउंड की काउंटिंग विधानसभा के अनुसार होनी है, तो ये जो रुझान आ रहे हैं ये 2 राउंड की काउंटिंग के बाद के हैं। अच्छा, अभी हमें और इंतजार करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, टेली से बीएसपी के जो कैंडिडेट है वो आगे हो गए हैं, अटेली से ही राव इंद्रजीत सिंह की बेटी राव आरती जो है वो पीछे चल रही है, बीजेपी की कैंडिडेट है। जी जी, तो ये शुरू से था, अभी से जो हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे सुबह से जो अनुमान चल रहा था वो वॉलेट और पहला दो, लेकिन जब जैसे जैसे धीरे गिनती आगे बढ़ेगी तो आप देखिएगा कि एकदम क्लियर हो जाएगा कि वहाँ जो बीजेपी और को और कांग्रेस को जो नुकसान या बढ़त जो मिलेगी तो वो बहुत मार्जिन उसका बहुत कम होगा। और जो राव इंद्र सिंह, अगर इसका पीछे कारण यह है कि अब पार्टी जो है, पार्टी से कभी कभी बगावत जो होती है ना उसका नुकसान भी होता है, कार्डर पीछे बैठ जाता है कि नहीं अब आपको नहीं आपके खिलाफ देंगे। इसका सबसे उदाहरण जो है अभी राव इंद्र सिंह दिख रहे हैं, ये पहले भी एक बार जैसे वीरेंद्र सिंह चले गए वहां जो पूर्व थे तो उधर उसका लोकसभा में उनको नुकसान हो गया। अभी इधर जो बीजेपी का कार्डर है वो एक बीजेपी का एक फिक्स वोट होता है जो इधर उधर नहीं भटकता, चाहे किसी की भी सरकार आए जाए, वो बीजेपी का कार्डर जो है ना वो मुझे लग रहा है कि वहाँ उसने उनको थोड़ा उनके साथ खेल कर दिया है। अच्छा, ये एक और खबर आ रही है कि 5वें राउंड में बीजेपी ने बड़ी लीड ले ली है, आप जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहे हैं उसके मुताबिक आप बताएंगे क्या है
पांचवें राउंड की खबर आ रही है कि पांचवें राउंड में बीजेपी ने बड़ी लीड ली है। और दूसरी बात यह है कि जो हरियाणा के तीन लालों की बात होती है, देवी लाल, भजन लाल और बंसी लाल की बात होती है, उनके परिवार का भी हम जिक्र करेंगे। क्या उनकी राजनीति, उनके परिवार की राजनीति इन चुनावों के बाद किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जो बीजेपी की आपने लीड की बात की है, तो लीड जो है वो अभी 2-3 राउंड पे की ही वोटिंग हुई है।